हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनएक्स 11 में स्पाइन कमांड की। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं स्केच के लिए। ओके, अब हम सिलेक्ट करते हैं स्पाइन कमांड। ये है स्पाइन स्टूडियो, ठीक है। क्लिक करा, अब इसमें बाईपोल्स और थ्रू पॉइंट्स दो ऑप्शन है। सबसे पहले थ्रू पॉइंट्स देखते हैं हम। क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा। ओके, तो ये कमांड पॉइंट से एक लाइन बनाती जाती है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। ओके, ये अप्लाई कर दिया। और इसमें ही दोस्तों दूसरा ऑप्शन है बाय पोल्स। बाय पोल्स में दोस्तों अलग अलग पॉइंट पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो उन पॉइंट को रेफरेंस मानकर वो कर्व ड्रॉ करता जाता है। ओके, तो ये है स्प्लाइन कमांड। अब इसमें ख़ास बात एक और है दोस्तों, वो बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से स्प्लाइन को सिलेक्ट करते हैं स्प्लाइन। अब जब भी हम स्पाइन बनाते हैं, ओके, स्पाइन इस तरह से हमने स्पाइन बनाई। अब ये जब इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये इससे ज्वाइन नहीं होती। ओके, तो ये ज्वाइन नहीं होती, इसका मतलब ये है इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज पे क्लिक करा तो ये लाइन सर्कल में क्लोज हो जाती है। ओके, अब इसमें हम डिग्री दे सकते हैं, जैसे कि इसको अप्लाई कर देते हैं, नया स्प्लाइन बनाते हैं, इसको क्लोज को हटाते हैं। ओके, अब इसमें हम डिग्री देते हैं, कितने डिग्री में इसको घुमाना। अगर हम ज़्यादा डिग्री देंगे तो ये ज़्यादा रोटेट कर सकती है। ओके, और अगर हम कम डिग्री देंगे, मान लो हमने 1 डिग्री 2 डिग्री किया, तो ये इसमें कर्व बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखो कर्व बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब इसको 2 डिग्री देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। ये 3 डिग्री देता हूँ, ज़्यादा डिग्री देता हूँ तो और ज़्यादा कर्व इसमें आ जाएगा। ये ओके, तो ये थी स्पाइन कमांड। फिर अगले लेक्चर में नई कमांड साथ मिलेगी। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय।